पूरे रमजान पूरे रमजान पूरे रमजान पूरे रमजान। वालेकुम गाइस रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो गाइस सो के उठ चुका हूं मैं बिल्कुल जस्ट अभी, आप देख सकते हैं मेरी हालत। और अभी मुझे जल्दी से हाथ पैर हाथ मुंह धोने से, और अम्मी बना रही है इस टाइम पे अभी खाना सहरी के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा है 3:25। एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। तो अम्मी बना रही है रोटियाँ और चाय। अम्मी सब्जी क्या बनाई है? भिंडी बनाई है, जो कि आपको दिखी जाएगी, पर अम्मी से हम बनवाएंगे। अम्मी मेरे बनने चाहिए पराठे, तो पराठे बनेंगे। और जब तक जैसी बनती है सहरी मैं आपको दिखाता हूँ सहरी बनने के बाद। तो चलिए चलते हैं और मैं धोता हूँ हाथ में। चली खत्म हुई नफरत दिल की, बांट रहे हैं प्यार सभी, सहरी हो या अफ्तारी, अल्लाह तेरा है एहसान, एक हुए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान, नूरे रमजान नूरे रमजान। हाथ मुंह धो के हो चुका हूं मैं बिल्कुल तैयार और आ चुकी है सहरी। एक बार आपको सहरी दिखाता हूं। तो सहरी में ये रोटियां और ये भिंडी, बस अम्मी ने ना पराठा बनाया ना कुछ करा, और भिंडी के अलावा भी कोई सब्जी नहीं बनाई। और यह है चाय, और जल्दी से खाते हैं। और अम्मी बैठी है सामने और जल्दी से खाते हैं खाना, और मैं मिलता हूँ आपसे खाना खाने के बाद। तो चलिए चलते हैं। तो भाई नमाज वमाज पढ़ ली है मैंने, और नमाज वमाज पढ़ के हो चुका हूँ मैं बिल्कुल फारिक। और अब आ रही है मुझे बहुत जोर की नींद, और अम्मी बैठी हुई सिपारा पढ़ रही है। एक बार दिखाता हूँ मैं आपको चुपचाप। तो भाई अम्मी पढ़ ली है सिपारा, आप देख सकते हो बिल्कुल कितने बिल्कुल। अम्मी को देखिए मैंने पकड़ लिया, आपको दिखा दिया। अम्मी पढ़ रही है सिपारा, सुबह के टाइम हो रहा 6 बज रहे हैं और सहरी करके अभी तक सोई नहीं है जल्दी से। और चलिए अम्मी को सिपारा पढ़ने, मिलता हूँ आपसे सुबह उठकर। तो चलिए चलते हैं ऐसे। तो भाई उठ चुका हूँ मैं, और उठते ही सबसे पहले मैंने नमाज पढ़ी थी, और अब चलते हैं बाहर। अम्मी ने कुछ सामान वामान लाने को कहा है, तो जल्दी से चलते हैं बाहर। मौसम भी ख़राब हो रहा है, और आपको मैं बाहर चल के दिखाता हूँ। बाकी मिलता हूँ आपसे बाहर। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर सामान लेने। अभी मैं सो के उठा था 2 बजे, और अब टाइम हो रहा है 4 बज के। उठते ही नमाज वमाज पढ़ी, और धूप पड़ रही बहुत ज़्यादा, इस चक्कर में कुछ ज़्यादा ब्लॉगिंग करी नहीं। धूप में आपको पता है ऐसी भी हालत क्या हो जाती है रोज़े में ब्लॉग बनाने में। और अब चलते जल्दी से बाहर, चिकन लाते हैं और भी सामान लाना, दही भी लानी है। और चलिए चलते हैं, मैं आपसे बाहर मिलता हूँ पहुँच कर। अभी लेना आया था मैं चिकन, और चिकन मैंने ले लिया, और लेके चलते हैं। चिकन का क्या रेट है भाई? 220 बता रहे हैं भाई, और चिकन का रेट। और मैंने ले लिया चिकन, और लेके चलते हैं घर पे। मैं मिलता हूँ आपसे घर पहुँचता हूँ। बारिश आ रही है बहुत जोर की, दिखाता हूँ आपको। तो भाई ले लिया मैंने सारा सामान, दूध भी ले लिया है, दही भी ले लिया है, और सिस्टर के लिए टकाटक भी ले लिया, रोजा के बाद खाएगी वो। और अच्छा हमको सिखा रहा है, चिकन भी ले लिया, जल्दी से अब घर। और बारिश देखो कितनी तेज से हो रही है भाई, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। देखो बारिश होने लग गई है बहुत तेजी में। अभी जब मैं आपसे कह रहा था, मैं कहना भूल गया था मौसम हो रहा खराब, पर मौसम कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया, बारिश हो रही है। कल भी बारिश हुई थी, आज भी बारिश हो रही है, पूरे में कीचड़ कीचड़ हो गई। चलते जल्दी से घर, मैं मिलता हूँ आपसे घर पहुँचकर। तो भाई आ चुका हूँ मैं बाहर से सारा सामान लेके। एक बार दिखाता हूँ आपको क्या क्या सामान लाया हूँ मैं। सामान लाया हूँ ये टकाटक लाया था सिस्टर के लिए, और ये दही है, और दूध, और लाया हूँ मैं चिकन, ठीक है। और अम्मी खाने में मैं बनवाऊँगा, बहुत पुरानी डिश है हमारे खानदान में चलती आ रही है, सब खाते हैं पहले से, चिकन के साथ चावल, ठीक है। तो वो जब बनेगी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत टेस्टी लगती है गाइस अभी, ठीक है। और अभी हो रहा है टाइम 4:30, थोड़ी देर में असर की नमाज हो जाएगी, तो नमाज पढ़ेंगे, अजान हो जाएगी नमाज पढ़ेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? पूरी गली सुनसान पड़ी है, पूरी गली, गली में दूर दूर तक कोई भी नहीं है, देख लिया गाइस आपने, गली में दूर दूर तक कोई भी नहीं है। और अम्मी ने आज चने भी उबाले हैं, इसमें रख दिया उबालने के लिए। चलिए कोई नहीं, बनने देते हैं, मैं तो आपसे थोड़ी देर बाद। तो चलिए चलते हैं। 2000 years later भाई अभी जस्ट बिल्कुल बारिश इतनी जोर से हुई कि लाइट वाइट चली गई है, घर के पूरे घर की लाइट चली गई है, अंधेरा हो चुका है। और अम्मी फिर भी बेचारी बगैर लाइट के भी काम कर रही है काम। और मैं एक बार आपको बाहर दिखाता हूँ चल के, बारिश कितनी जोर की हो रही है, देख सकते हो आप, बारिश बहुत जोर की हो रही है। तो भाई इसी बारिश के चक्कर में लाइट भाग गई है। और अम्मी क्या मेरा लाइट भागा क्या? अच्छा लग रहा। अच्छा तो क्या क्या बना रही हो आज? तो भाई अभी आज खाने में, तू जो मैंने आपको बताया था चिकन की, वो सब्जी बननी है, और अंडे की पकौड़ियाँ बननी है, फ्रेंच फ्राइज बनने हैं, और फ्रूट चाट बननी है, और चने बने हैं। जब बन जाएगा सारा सामान आइटम, लाइट आती है जैसे रखते हैं, जब दिखाता हूँ मैं आपको। तो चलिए चलते हैं।
तो भाई आ चुकी है पूरी इफ्तारी और लाइट चली जा चुकी है, जैसे कि मैंने आपसे भी बताया था पहले कि लाइट भग चुकी है। गली में बारिश की ज्यादा तेज हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ, कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ क्या हुआ था उसमें थर्मामीटर जो। अरे कहना क्या चाहते हो बताओ ट्रांसफॉर्मर में, तो इस चक्कर में लाइट चली गई। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको आज इफ्तारी में क्या क्या है। तो भाई देखो जैसी भी लाइट है प्लीज मैं आपको इसी में दिखा सकता हूँ, एक फोन और ले लेता हूँ। तो भाई देख सकते हो आप, ये है कचरी और ये है पकौड़ियाँ और ये है चाट, फ्रूट चाट, और अम्मी ने आज छोले भी बनाए और ये फ्रूट चाट है एक अलग, ये मम्मी ही खाए, अम्मी खाएंगी सिर्फ, मम्मी कह रहा हूँ सॉरी यार, तोबा तोबा। और ये है दही फुल्की और ये पता नहीं अम्मी ने क्या बनाया, और ये है रुआफ़ज़ा। और बस आ चुका है सारा खाना और खाते हैं जल्दी से खाना, मतलब इफ्तारी करते हैं जैसे ही रोज़ा होता है, और मैं मिलता हूँ आपसे इफ्तारी के बाद। तो भाई हो चुका है रोज़ा और जल्दी से खोलते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अला कसम तो वबी कमन तो वाला रिस्के का अफ्तर तो, और रोज़ा इफ्तार लिया है, अब जल्दी से खाते हैं इफ्तार करते हैं इफ्तारी, मैं मिलता हूँ आपसे इफ्तारी करने के बाद, तो चलिए चलते हैं। तो भाई से इफ्तारी करने के बाद मैं सो गया था, बहुत ज़्यादा हो गई थी तबीयत ख़राब, और अब भी हो रही है, और अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, अम्मी की भी दवाई ला के दी मैंने, और तबीयत ख़राब अब भी हो रही है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ खास बनाया नहीं, और बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा अब भी, तो पूरे में कीचड़ कीचड़ हो रही है, इस चक्कर में मैंने कुछ व्लॉग बनाया नहीं बाहर का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको इफ्तारी टू शहरी टू शहरी से इफ्तारी तक का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाबा, अल्लाह हाफिज़, और सभी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं।